नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि आज मंगलवार को नव निर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने प्रदेश के सभी 90 विधायकों को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इन्हीं शपथ के साथ ही छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया गया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक मत होकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सर्वसम्मति के साथ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। नई भूमिका सिस्टम विधानसभा का प्रथम दिन एक महत्वपूर्ण विषय जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा और विधानसभा की गरिमा कैसे बढ़े, पक्ष और विपक्ष ने माननीय विष्णुदेव साय जी, अरुण साव जी, ब्रिजमोहन जी, अजय जी और इधर विपक्ष की ओर से माननीय चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, इनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष के मंजूर किया गया और निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष के नाम से किया गया। मैंने चरणदास जी को, भूपेश जी को और पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और सभी सम्मानित सदस्य, कांग्रेस और गोंडवाना के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया कि आम सहमति के साथ विधानसभा के अध्यक्ष का चयन आप सबने किया और मेरी जवाबदारी है कि इस विधानसभा को निष्पक्ष भाव से, अभी तक मैं 15 साल मुख्यमंत्री के हैसियत से एक भूमिका में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दृष्टि से काम करता रहा, आज मेरी भूमिका विधानसभा में बदली गई है और मेरी दायित्व तो इस विधानसभा के 90 सभी सदस्य, इनके मान सम्मान गरिमा बढ़ाना, उनके अंदर जो कुछ है वो सर्वश्रेष्ठ कैसा छत्तीसगढ़ के लिए वो दे सकते हैं, उनकी भागीदारी कैसे हो सकती है छत्तीसगढ़ के निर्माण में, वो इधर के लोग हो, पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन सबको अवसर देने का काम एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते मुझे करना है। आज सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही नवनिर्वाचित सदन के पहले सत्र की भी शुरुआत की गई। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। रमन सिंह जी को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरह से आज का ये पहला दिन बड़ा ही अच्छा रहा, सुखद रहा। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजनाओं का प्रचार वाहन की जानकारी देने के लिए बस्तर विकास खंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। संकल्प यात्रा स्थल में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। बुरंगपाल नहर मुंडा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे ने उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। कांग्रेस की करारी हार से विधायक चुन्नी लाल ने दुखी होकर कांग्रेस संगठन से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार ने नेताओं को परेशान कर दिया है। इस दौरान नेताओं को लगातार पद से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। श्रृंखला में अकलतरा क्षेत्र के पूर्व विधायक और बिलासपुर में रायगढ़ जिले के प्रभारी चुन्नी लाल साहू ने कांग्रेस की हार से निराश होकर प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रभार वाले जिलों में कांग्रेस अच्छी स्थिति में रही।
आपको बता दें कि चुन्नीलाल साहू न केवल अकलतरा विधानसभा से विधायक थे बल्कि उनका नाम कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में भी शुमार था। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे 4 साल पहले से जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर। मैंने विभिन्न अपने दायित्व का निर्वहन किया, अलग अलग क्षेत्रों में मुझे जिम्मेदारी भी दी गई और जहां अभी विधानसभा चुनाव 2023 के छत्तीसगढ़ में हुए उसमें मुझे ड्यूटी भी लगाई गई। लोकसभा रायगढ़ में 4 विधानसभा थे, वहां पे 4 विधानसभा में 3 विधानसभा में रिजल्ट भी आया अच्छा। जिस जिले में मैं रहता हूँ यहाँ भी, बिलासपुर का मैं प्रभारी में था, वहाँ भी कोटा और मसूरी जैसे में सफलता भी मिली। लेकिन इस प्रकार से करारी हार जो मिली छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में जो हम लोग थे, तो मैं वाकई व्यथित हूँ और मुझे मन दुख हुआ उसमें। तो मैं अपने पद नारायणपुर जिले के कुकड़ा झोर में एक किसान ने बीते दिन 12 दिसंबर को फसल बर्बाद और कर्जा के बोझ से अपने खेत में कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने घटना की जानकारी लेने के लिए एक जांच समिति गठित की थी, जिसके चलते गठित 5 सदस्यीय जांच समिति के सदस्य ग्राम कुकड़ा झोर पहुंचे और उन्हें और मृतक किसान के परिवारजनों से मुलाकात कर हौसला बधाया, साथ ही घटना की जानकारी ली। जांच समिति ने परिजनों और गांव के अन्य किसानों का भी बयान दर्ज कर रिपोर्ट तैयार किया। समिति ने हर हालत में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर धमतरी से है, जहां जिला मुख्यालय के पास के एक ग्राम पंचायत बटगांव में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। बता दें कि पंचायत द्वारा बिना पंचों के सहमति के देवांगन समाज को 2 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई। इसके बाद ग्रामीणों ने इस जमीन आवंटन का जमकर विरोध किया, जिसके बाद देवांगन समाज को मिली जमीन को निरस्त किया गया। तो वहीं ग्रामीणों ने इस घटना के लिए सरपंचों को जिम्मेदार बताया है, सरपंचों को बर्खास्त करने की मांग की है। तो वहीं कोरबा से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि नवजात बच्ची को किसी ने रात में भारी ठंड में मात्र छाया संस्था के दरवाजे पर छोड़ दिया। ठंड से ठिठुरती बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मात्र छाया से लोग बाहर निकले और उसे अंदर ले गए। हालत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यह पूरा मामला कोतवाली थाना के अंतर्गत मात्र छाया संस्था का है। नवजात बच्ची को रात के अंधेरे में छोड़ने का मतलब सीधा है कि अनैतिक संबंधों का नतीजा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उस मासूम बच्ची का दोष क्या है जो इस दुनिया में आने के बाद दुनिया वालों का ही शिकार हो गई। खबर कांकेर से है, जहां तनाव को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अनोखी पहल देखने को मिली है। कांकेर में स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारियों के बीच टीम भावना को बढ़ाने के लिए साथ ही तनाव को दूर करने के लिए सभी को मैदान पर उतारा है। आपको बता दें कि कांकेर स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीमों का गठन कर क्रिकेट मैच करवाया जा रहा है। जिला मुख्यालय चिकित्सालय और स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग टीम लगातार लोगों की सेवा में लगी रहती है। खबर दूर से है, जहां जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत एक तेज रफ्तार वाहन ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को रौंद दिया। बता दें कि दुर्घटना में बच्ची घायल हो गई, पिता ने उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल में पहुंचने से पहले बच्ची की मौत हो गई। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉच। नमस्कार।